भोपाल में सरकारी पदों पर 2.5 लाख भर्तियां निकली हैं। अगले 5 साल में यह भर्तियां की जाएंगी। सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 50 पदों पर 2 फेज में भर्ती होगी, पहले 25 और फिर दोबारा 25। उसके अलावा जहां पर 51 से लेकर 200 तक सरकारी पद हैं, वहां पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसका विरोध अब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं, यानी डेली वेजर्स कर्मचारी इस सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, आदेश की प्रतियां भी चलाई हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने सरकार को खुली चेतावनी दी है और कहा है कि यदि सीधी भर्ती हुई तो सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे और साथ ही कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। मेरे सहयोगी दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं मेरे साथ भोपाल से। दीपक, ये बताइए कि सरकार ने 2.5 लाख बंपर भर्तियां निकाली हैं, लेकिन सीधी भर्ती को लेकर अभी भी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, क्यों? जी बता दूं कि डेली वेजेस कर्मचारी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सीधी भर्ती हो तो उससे पहले हमारे को भर्ती में शामिल किया जाए, उसके बाद जो बची हुई रिक्त पोस्ट है उस पर भर्ती की जाए। इसी को लेकर लगातार कर्मचारी संघ प्रदर्शन करते हुए नजर आया है। उन्होंने आदेश की प्रतियां जलाई। हमारे साथ कर्मचारी नेता भी मौजूद है, अशोक पांडे। आज आपने आदेश की प्रतियां जलाई है, क्या सरकार से मांग है? क्योंकि भर्ती होना कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा लोगों को। देखिए, रोजगार का हम विरोध नहीं कर रहे, भर्ती का विरोध नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी, उनको नियमित किया जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर, सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिसों की जजों ने फैसला दिया है, सर्वोच्च न्यायालय 10 अप्रैल 2006 को उमा देवी कर्नाटक वाले फैसले में, कि पहले जो विभागों में काम कर रहे हैं, जिनको अनुभव हो गया, वरिष्ठ हो गए हैं, उम्रदराज हो गए हैं, पहले उनको नियमित किया जाए। हम उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार पिछले 3-4 साल से सीधी भर्ती और दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी को बिल्कुल इग्नोर कर रही है। कहीं आउटसोर्स की भर्ती कर रही है, कहीं सीधी भर्ती कर रही है। अब तो सरकार ने एक नया फंडा कर दिया कि चतुर्श्रेणी पदों पर हम आउटसोर्स से भर्ती करेंगे। जब पद ही नहीं बचेंगे तो जो दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो उनका भविष्य क्या होगा? उनका भविष्य तो अंधकार में हो जाएगा। सरकार में जो नौकरशाही बैठी है वो गलत नीतियां, कर्मचारी विरोधी नीतियां लागू कर रही है, जिस कारण सरकार बार बार ये सीधी भर्ती का राग अलाप रही है। अगला कदम है आपका? आज हमने सरकार मंत्रालय के सामने प्रतियां जलाई सरकार के आदेश की, सीधी भर्ती के आदेश की, उग्र प्रदर्शन किया है। सरकार यदि अभी भी नहीं चेती, सरकार ने अभी भी रवैया लगातार कह रहे हैं कि अगर सीधी भर्ती हुई तो हम आंदोलन करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए।